नमस्कार भैया, देखो हमारे पास आईटेल IT5607 मॉडल आओ है रिपेयर के लाने। और भैया आप देख सकते हो जो मोबाइल अभी तक क्या नहीं खुलू है, इमें भैया 6 नट कसे हैं। तो हमें भैया देखो आज ई मोबाइल में 6 नट कसे मिल गए हैं। तो देखो जो बिल्कुल न्यू ब्रांड मोबाइल है, मतलब अभी तक क्या खुलू नहीं है। और आप देख सकते हो कि इमें जैसे ही हम बैटरी डाल के और चालू करते हैं तो आप देख सकते हो इमें सफ़ेद डिस्प्ले आ रही है भाई, डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख सकते हो देखो कि जो सफ़ेद डिस्प्ले की प्रॉब्लम है जब यह आई है कैसे, जो दीवार में मार दो ग्राहक ने मोबाइल। और आप बने रहो वीडियो में, हमारा नाम है भैया रामचरण और आप देखा तो आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो भैया एक देखा थे खोल के कि जो भैया दीवार में जैसे ही मारूं तो सफ़ेद डिस्प्ले हो गई है। मोबाइल तो हालांकि चालू है, फ़ोन आ रहा है जा रहा है, लेकिन भैया सफ़ेद डिस्प्ले हो गई है। तो एक भैया खोल के देखा थे कि इमें काय की वजह से सफ़ेद डिस्प्ले आ रही है, या भैया डिस्प्ले ख़राब हो गई है, या बोर्ड से कोई दिक्कत आ गई है जा सफ़ेद डिस्प्ले की। तो आप बने रहो वीडियो में, देखो वीडियो को लाइक ज़रूर करियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो हुए भैया तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर करने भैया अपन को। तो मोबाइल को हमने खोल रहा है और खोल के आपको दिखा रहे हैं। देखो इके जो बॉडी के ठिया हुए थे अभी तक लगे रह गए हैं इमें। तो देखो जी अपने आप खिंच रहे हैं, इतनी ज़ोर से मारू है भैया के इसकी बैटरी भी देखो टेढ़ी टापटी हो गई है। हम आपको दिखावे की कोशिश करें भाई, तो आप बने रहो वीडियो में। देखो हम ये डिस्प्ले के इको निकाला थे और देखा थे भैया के पिन तो नहीं फटे के। तो देखो पिन तो नहीं फटे है भैया के, देखो जो टैब भी अच्छा लगू है और कोनो पॉइंट भी गड़बड़ नहीं है। और जो टैप निकाल के देखे थे हम के भैया कोनो पॉइंट पॉइंट तो भैया ही के जो डिस्प्ले के पिन होते हैं वे तो साझे हैं। और आप देख सका तो हम आपको दिखावे की कोशिश करते हैं। देखो डिस्प्ले इतने से फटी है भैया, 4-5 पॉइंट देखो इतने से फट गए हैं, देख सका तो आप। हम आपको अच्छे से दिखावे की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में, देखो इतने जे 4-5 पॉइंट फट गए हैं। जो इको जो बेल्ट हुत है जो डिस्प्ले में लगू रहता है जो भैया पटका हुए थे से, देखो तो एक ही वजह से सफ़ेद डिस्प्ले आ रही है या काय की वजह से सफ़ेद डिस्प्ले आ रही है, जो भाई डिस्प्ले की प्रॉब्लम इमें आ रही है तो वह काय की वजह से आ रही है, या इतनी जो बेल्ट पटका हुआ है ई की वजह से आ रही है, या फिर और क्यों भैया मिस्टेक है। तो बने रहो वीडियो में, देखो हम डिस्प्ले को निकाल के और अच्छे से और देखें लेते हैं कि और कितने कितने टूटी टाटी है डिस्प्ले, या डिस्प्ले क्यों क्रैक है, या बेल्ट और टूटू क्यों, या इन्हीं की वजह से यहाँ रही सफ़ेद डिस्प्ले। तो आप बने रहो वीडियो में, देखो हमने डिस्प्ले निकाल ली है और इके जी जितने भी बोर्ड के पॉइंट हैं इन्हें साफ करके और डिस्प्ले को गौर से आपको दिखावे की कोशिश करते हैं। तो देखो जा इतने फटी भैया, और देख सकत हो आप कि जा इतने भी फटी है, तो दो ही साइड डिस्प्ले फटी है भैया। अब का हो गया ये डिस्प्ले को, देखो ई साइड भी फटी और वो साइड भी फटी है जो बेल्ट हुए थे। तो आप देख सकत हो जितने भैया डिस्प्ले को जो बेल्ट चिपकू रहते है उतने से निकली हुए फट गए है, और ई साइड से भैया 3 पॉइंट ई साइड से देखो टूट गए हैं। तो आपको दिखावे की कोशिश करते हैं, देखो ई साइड देखो इतने इतने देखो 3 पॉइंट जी फट गए हैं और ई साइड भी फट गई है डिस्प्ले। तो आपको भैया हम जे 3 पॉइंट जो हैं इतने भैया देखो गुंजाश है 1 पॉइंट में जम्फर लगावे की, तो हम इतने जम्फर लगा के देखा थे भैया अपनी डिस्प्ले इसे आउट है कि नहीं आउट है। तो बने रहो वीडियो में, देखो अच्छे से हम आपको दिखावे की कोशिश करें भैया। इतने थोड़ी हमारी वीडियो की क्वालिटी है जरा डाउन हो गई है,
तो आप बने रहो वीडियो में, आगे भैया क्वालिटी अच्छी मिले आपको। तो हमें नए देखो अच्छी लिखे वो पॉइंट को, जो भैया इसमें 3 पॉइंट फटे हैं, 2 पॉइंट तो भैया नहीं बन पे, इतने कह के बेल्ट में गुंजाइश नहीं है छीलवे की। अगर हम डायरेक्ट इन पिनन पे भैया जम्फर लगा रहे हैं, तो पहले तो हम भैया यही पे जम्फर लगाएं एक ही पॉइंट पे। अगर इसे सॉल्यूशन हो रहा अपनों तो ठीक है, नहीं हो रहा हो तो भैया देखते हैं आउट है कि नहीं आउट है। कोशिश तो भैया हम पूरी करें कि डिस्प्ले को सॉल्यूशन, जो भाई डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही है इको सॉल्यूशन होते है कि नहीं होते है। तो आप बने रहो वीडियो में। तो भैया एक पतला सो जम्फर वायर लेके हमने लगा दा है जम्फर, तो एक ही जम्फर लगा हुआ है देख सकते हो आप। तो एक जम्फर लगा दा है हमने और इतने देखो नहीं लगाए हैं, कोनू जम्फर लगावे की गुंजाइश नहीं आए थे। तो एक जम्फर लगा दो हमने वो साइड, तो आप देख सकते हो अच्छे से आप खुनखावे की कोशिश करते हैं। देखो जो जम्फर लगा हुआ है हमने, और भैया अभी खूँ देखते हैं मोबाइल में लगा के डिस्प्ले खूँ कि जब भैया डिस्प्ले आउट है कि नहीं आउट है, कि भाई जैकी तई भैया भाई डिस्प्ले की प्रॉब्लम है इको सॉल्यूशन वह है कि नहीं वह है। तो आप बने रहो वीडियो में, देखो अच्छे से हम सोल्ड करें दे रहे हैं सब पिन, ताकि अपने कोनो पिन जो पिन हैं जी अपने कोनो मिस्टेक नहीं रहे। तो एक बार हमने आयरन उठा के फिर से फिर दिए आयरन, और अभी मैं देखो आपको से देख सकत हो एक ही जम्फर लगाओ है हमने, और ये मैं बैटरी डाल के देखत हैं कि एक ही जो डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही थी भैया जैसा ही भई है कि नहीं भई है। तो आप देख सकत हो ई में भैया आईटेल लिखो आगा है, और अपना सॉल्यूशन जो है होगा है, जो ही में भाई डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही थी इको सॉल्यूशन होगा भैया। देखो आप देख सकत हो कि डिस्प्ले में आ गई है, लेकिन भैया इको कलर चेंज होगा है। आप देख सकते हो कि इमें जैसो कलर आउट है वैसो कलर नहीं आ रहा है। तो भैया ये कलर को लेके और अपनों ने देखो आपकी डिस्प्ले अगर जैसी फट गई है कभी भी फटी आ जावे आपके पास, तो आप जम्फर लगा सको तो भैया लगा सकते हो, लेकिन भैया हम नहीं लगा पे कि जम्फर का के हमारे लगा इतनी मशीनें नहीं हैं कि इकेला ने भैया अच्छे से बारीकी से देख भी खोचाने आउट है। बहुत पतले पतले पॉइंट हैं, और इनमें भैया जो प्रॉब्लम आ रही है अबे भी कई में क्यों कभी कभी भैया जा खराब कलर दे रही है। तो हम भैया जो जो जम्फर हमने लगा है जो बेर बेर टूट टूट जा रहा है, मतलब टूट टूट जा रहा है, उसको अच्छे से लगा दे रहे हम जो जम्फर, और अच्छो बढ़िया सो जम्फर हम लगा के देखो फिर से दिखा रहे हैं आपको। हमने एक स्पीकर की कोयल को भैया जम्फर फिर से लगा है, और अब भैया जो जम्फर हमने थोड़ा लम्बो लगा दो तो जो जम्फर टूटे नहीं भैया ऐसे मुड़े से। और देख सकता आपके ई डिस्प्ले को कलर काफ़ी चेंज हो गया है अच्छे से हमने जम्फर लगा दो है, तो जो कलर भैया तनक बहुत सही आ गया है। और भैया देखो हम इतने जैसे ही हम डिस्प्ले को दाब रहे हैं, जितने जो बेल्ट बैंड रहते हैं इको जो बेल्ट चिपकू रहते हैं इतने हम भैया देखो दाब रहे हैं, तो इको कलर काफ़ी कलर में सुधार आउट है। तो इको भैया देखो हम चिपका दे रहे हैं डबल टैप से, मतलब डॉक्टर टैप से, तो जब चिपकू रहे तो इको कलर काफ़ी सही आ रहा है, तो ऐसे ही हम चिपका दे रहे हैं। आप बने रहो वीडियो में, देख सकते हो आप इको कलर पहले से काफ़ी सही आ गया है हमने जैसे ही वो जम्फर अच्छा लगा दा है। और देखो हमने 2 बार जम्फर लगाओ तो इमें तो वो टूट टूट जा रहा हो, तो हमने अब की बार थोड़ा बड़ो जम्फर लगा दा है, और आप देख सकते हो इको कलर भी सही आ गया है। और आप लगा वो चाहो भैया आपके पास इतनी मशीनें हैं तो आप लगा सकते हो, जे जम्फर भी लगा सकते हो अगर गुंजाइश है लगा भी खूँ तो आप लगा सकते हो। तो देखो हमने जम्फर जी नहीं लगाए हैं, खाली एक ही जम्फर लगाओ है, और इसे अपना सॉल्यूशन हो गया है। आपको कैसा लगो वीडियो भैया कमेंट में ज़रूर आपको बताऊंगे कि ऐसा लगो वीडियो। तो देखो हम डॉक्टर टैप से इकों अच्छे से दबा के ऐसी,
और ये जो बॉडी के नट होते हैं, बॉडी फिट करके और नट अच्छे से कस दें तो काफ़ी को जो कलर है वो सही आउट रहे। तो भैया कैसा लगो वीडियो, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताऊँ कि कैसा लगो जो वीडियो। और भैया रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो हुए तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर करियो भैया। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरी मोबाइल के संगे दूसरी समस्या लेके। जब तक राम राम।